Hi. Hi. So we have started our journey for Ahmedabad. Yes. चलो पहले एयरपोर्ट चलते हैं। तो हम निकल गए हमारे टाउन डिगबोई से डिब्रूगढ़ की तरफ। कल रात को इतना थंडरस्टॉर्म हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो तारे वारे लटकी हुई हैं और ये देखो डिस्ट्रक्शंस, बहुत ही ख़राब हालत था। तो मैंने सोचा कि शायद आज वेदर कैसा होगा, लेकिन वेदर बहुत ही बढ़िया है। अब हम लोग चल रहे हैं डिब्रूगढ़ की तरफ। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के लिए हम लोग एक छोटा सा बाईपास है, माकुम तिनसुकिया बाईपास, वहाँ से फिर और एक अलग सा बाईपास है डिब्रूगढ़ के लिए। हम लोग वो रास्ता पकड़ के चलेंगे हमारे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट की तरफ और शुरू करेंगे हमारा हैपनिंग से जर्नी। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट, देखो यस मोहनबाड़ी। आप मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। वेल, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में घुस रहा हूँ और हमारी फ़्लाइट जो है 11:30 बजे है। ऑलरेडी तीन लोग, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा ब्रो तपोजीत पहुँच चुका है। अब हम लोग तीन यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग एक साथ कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में हमें और चार लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये है जी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा और ये शेड शायद नया बना हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे ये शेडिंग नहीं थी। बहुत ही ऑसम यहाँ का स्ट्रक्चर लग रहा है, बहुत ही सुंदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो लेट्स स्टार्ट। यस, आवर मोस्ट अवेटेड ट्रिप। सो वंस अगेन, हेलो, दिस इज तपोजीत एंड वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फॉर डे वन फॉर अंडमान एंड टुडे इज डे वन एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोलकाता। यहाँ का इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन वेल मेंटेन्ड। और ये हमारी मैडम अपनी गाड़ी पे सवार। फाइनली अंडमान टूर इज हैपनिंग फॉर यू फॉर अस, एनी एक्सपीरियंस? पागल आदमी। तो हमने अपना लगेज जो है डाल दिया और आजकल बोर्डिंग पास ऑनलाइन ही कर लेना पड़ता है, तो हमने ऑनलाइन कर लिया और हमने सिक्योरिटी गेट के थ्रू प्रोसीड कर लिया और यहाँ बैठने वाले हैं हम। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, बोर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। वैसे खाने पीने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, अलीबाबा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चाय ले सकते हो। ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ दिख जाएंगे असम का और बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा सा एयरपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा के रखा है। तो चलिए जी, हमारा बोर्डिंग शुरू होने वाला है, हम लोग चलते हैं ऊपर। बाय लाडू, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। सो सैड की वजह। और ये देखिए हमारी प्रिंसेस कैटवॉक करके आ रही है अपने जहाज में चढ़ने के लिए। और यह है जी डिब्रूगढ़ का एयरपोर्ट, एक्सटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है इस साइड से। तो चलिए, ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई, हैप्पी टू फ्लाई, यस। शुरू करते हैं सफर टुवर्ड्स कोलकाता। गाना एक याद आ गया, फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे है। नहीं नहीं, मेरा गला इतना अच्छा नहीं है। देखिए पूरा वाटर लॉगिंग हो रखा है, कल बहुत 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 ज़्यादा बारिश हुई थी। थैंक गॉड अब थोड़ा सा ठीक है, होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए ये हमारे ग्रीन पेडिफिल्स और ऊपर में आपको क्लाउड्स दिखे जाएंगे। और ये देखिए, ये है हमारा असम का पहचान, असम की लाइफलाइन महाबाहु ब्रह्मपुत्र। कितना मैजेस्टिक लगता है ऊपर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्यू, मेरा सबसे फेवरेट व्यू है। फ्लाइट से मैं जब भी मतलब इधर ट्रैवल करता हूँ तो मैं ब्रह्मपुत्र का एक ऐसा व्यू लेता ही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हमारी बेटी क्या कर रही है। आपकी बेटी, माय विंडो सीट, इट वाज माय विंडो सीट बट इट वाज नो लॉन्गर योर सीट। बाय 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 बाय, से हाय, हाय बोलो तो, हाय बोलो तो, हाय हाय हाय, एवरीथिंग इज ओके। हमने सोचा था कि उसको फ्लाइट में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये तो देखिए गाना गा रही है, शी इज सो एक्साइटेड, माय गॉड, she is singing song. Oh my god, oh my god. Thank you.
यहाँ एक चीज़ मुझे दिख गई, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पे इंडिगो ने लगभग 7,500 लोगों को यूक्रेन से वापस लाया एयरलिफ्ट करके, तो इसके बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आर्टिकल। और ये देखिए हमारी बेटी जहाँ जाती है बस अपना दोस्त बना ही लेती है। तो चलिए जी, थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुँच गए सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। और यहाँ आपको बस कंक्रीट के जंगल दिख जाएंगे, कुछ कुछ जंगल हैं लेकिन कंक्रीट का जंगल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए लैंडिंग करते हैं कोलकाता में। तो ये जी हम पहुंच गए कोलकाता और हमारी बेटी जो है सो गई। जी हाँ, इतना एक्टिविटीज़ किया, इतना गाना गाया उसने, तो मतलब सोना ही था, एनर्जी ड्रेन आउट हो गया, सो गई। वैसे फ्लाइट रुकने के साथ साथ लोगों का तांता लग गया, मुझे ये देख के मुझे गुवाहाटी की सिटी बस की याद आ गई और मुझे अपने आप को कुछ इस तरह से कहना पड़ा, भांगड़ बेलतला बेलतला भांगड़ बेलतला भांगड़। कुछ इस तरह का फीलिंग हो रहा है। एनीवेज चलिए चलते हैं, बैगेज क्लेम करते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ। वी हैव लैंडेड एट कोलकाता पहुंच गए। चलो देखते हैं, अभी होटल में चेक इन करना है, होटल चेक इन करेंगे इसके बाद। सो वेलकम टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पहले दमदम एयरपोर्ट भी कहा जाता था। नीचे में बैगेज क्लेम है और हम लोग अब नीचे जाएंगे। इतने टाइम ऊपर रहकर अब थोड़ा नीचे आने को दिल करता है, चलो नीचे चलते हैं। और नीचे जाने के साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ देखने को भी दिल करता है, जैसे कि ये। और यहाँ आपको दिख जाएगा एक बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर माँ दुर्गा का। चलिए देवी को प्रणाम करते हैं, कितना अच्छा लगता है नहीं। इस तरह की चीजों के लिए ही कोलकाता बहुत फेमस है, आर्टिस्टिक वर्क्स। सो लेट्स पिक अप बैग्स एंड मूव टू आवर होटल। होटल चलते हैं, बहुत ही पास है, 2 किलोमीटर का ही रास्ता है। चलिए फटाफट निकलते हैं और चेक इन करते हैं। सो वेलकम टू आवर रूम, दिस इज एयरपोर्ट सिटी होटल कोलकाता। एयरपोर्ट के बहुत ही पास है, आज रात हम यही रुकेंगे और कल यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर। वेलकम, हेलो, वेलकम, हेलो यार। ओके, ये भी सही है, क्लीन एंड टाइडी। ओह हियर इज माय सिटी, या यहाँ पे स्विमिंग पूल है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन पानी इतना साफ मुझे लग नहीं रहा है। दोनों का एक्साइटमेंट देखो, जूनियर और सीनियर का। हेलो हेलो, लाइट को ना लाइट, ओजे लाइट को लाइट, ओजे। तो चलिए लंच हो गया, फ्रेश हो गए, अब निकलते हैं मार्केटिंग के लिए। बाय बाय बाय, फॉर मार्केटिंग, चलो नॉट मार्केटिंग, पेट पूजा। ओके व्हाटएवर इट इज, बाय 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 बाय। कोलकाता तुम्हीं यू हेट देखो कोलकाता। अरे यार मैं तो सिंगर बन गया कोलकाता आकर। टिपिकल कोलकाता टैक्सी, कैसा है राइड? आरामदायक,
हवा आ रहा है ना चारों तरफ से, बहुत आरामदायक है। वाह 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 वाह। चलिए थोड़ा फास्ट फूड से शुरू करते हैं आज का इवनिंग का प्रोग्राम। पहले शुरू करते हैं मोमो, फिर चाट वाट खाते हैं। वाह 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 वाह। हाउ इज द टेस्ट? हाय सर। फास्ट फूड एंजॉय कर रहे हैं कोलकाता के स्ट्रीट्स में, ठीक ठाक है। इतना भी मतलब मोमो इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, बट ठीक है। वी आर एट बागुई हाटी। अब बागुई हाटी में थोड़ा सा हम लोग मार्केटिंग का मजा ले रहे हैं। दिस इज द एरिया, बहुत ही हैपनिंग एरिया है यहाँ पे। बस आपको मार्केट ही मार्केट दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, बाज़ार कोलकाता है, फिर आपको एम बाज़ार मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि हम एम बाज़ार चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिलती है। ये देखिए कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है, पूरा का पूरा। तो चलिए, ये देखिए वाह, शुरू हो गई हमारी मैडम परेशान करने को लोगों को। इट्स फन राइट, फन। और इसको अपना पार्टनर भी मिल गया, देखो 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 देखो। अरे अरे अरे, जहाँ जाती है ना दोस्त बना ही लेती है। देखो दोस्त बना ही लेती है, इसका तो यही स्पेशलिटी है। और एक दोस्त बन गया, देखो देखो और एक दोस्त बन गया, देखो। वेल चलिए फिर अगला डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, फैशन सिटी। ये भी पास में ही है, चलिए फैशन सिटी में थोड़ा फैशन देखते हैं क्या है। देखो वाह रे वाह वाह। पाही पाही, चुमू दे दो चुमू। अरे देखिए इसके हाथ से गिर गया था ये, फिर उससे फिर वहां रखने जा रही है। देखिए कितना मार्केटिंग किया, बहुत ज्यादा पैसे तो इतने ही। मेरे पति ने बोला इतना ही पैसा काफी है। इतने में इतना मिलेगा? नहीं कभी नहीं, इतने में इतना कभी नहीं मिले। स्कॉच फालूदा क्या बन रहा है? बटर स्कॉच फालूदा। तुम लोग 60 rupees पर ग्लास। 60 rupees पर ग्लास। तुम लोग फेलूदा के शहर में आके फालूदा खा रहे हो? फालूदा रेडी, फालूदा। लाटू 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 मार्केटिंग के बाद अभी खाना खाना जाना है, बहुत ज्यादा बिरयानी खाना है। बिरयानी का स्टॉल हमने ढूंढ लिया और आज के डिनर के लिए हम ले जा रहे हैं बिरयानी अपने होटल। इसी के साथ हमारा डे वन यही ख़त्म होता है। डे टू के लिए वेट करिए, अगला वीडियो जो कि डे टू का होगा उसमें हम उड़ान भरेंगे कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर की तरफ। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। देखते रहिए लाइफोहॉलिक कैंप।